हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड जागृति। और अभी सुबह के टाइम हो चुके हैं 5:45। बाकी मैं इस टाइम पे एकदम जग गई हूं। अब सुबह दरवाज़ा खोलती हूं तो मैं वो दिखा रही हूं कि मैं सुबह से अपना उठ के सारा काम कैसे कर लेती हूं। तो फिलहाल इस टाइम मैं उठ गई, अपना सारा काम करूंगी। झाड़ू पोछा वगैरह सब करने के बाद, ब्रश वगैरह सब करने के बाद मैं अपना टिफ़िन बनाने के लिए रेडी हो गई, बच्चों का लंच वगैरह सब कुछ। तो फिलहाल सब्जी मैं बना रही हूँ, आलू गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ सूखी वाली, क्योंकि टिफ़िन में भी देना रहता है। साथ साथ ये मेरी पायल है जो एकदम ब्लैक हो गई थी, उसको मैं वाइट करने का निंजा टेक्निक अपनाई हूँ। इसको अपनाने के लिए फ़िलहाल पानी में चाय पत्ती डाली और क्या डिटर्जेंट डाल दी और उसको खूब बॉयल कर दी। देखिए एकदम चमकने लगा, फ़िलहाल एकदम ब्लैक हो गया था। इसको बिना कुछ किए वो चमक जाता है अपने आप। तो फिलहाल इधर आलू गोभी की सब्ज़ी भी पक रही है, मैं आटा वगैरह सब लगा लूँगी फटाक से साथ साथ ही। तो ये सब्ज़ी हो रही है एकदम स्लो आँच पे, इस पर को पकाना पड़ता है क्योंकि बिना पानी का मैं बनाऊँगी। तो इधर आटा भी लगा लिया, अब रोटी भी बनाती हूँ, रोटी पराठा जो भी बनाना है। तो बच्चों के टिफ़िन के लिए बनाऊंगी, साथ साथ अपना भी लंच बना ही लेती हूँ। मैं 6-7 बजे तक सब कुछ बना कर रेडी करती हूँ क्योंकि मेरे को पढ़ना भी रहता है। फिलहाल आजकल मेरा 30 दिन का चैलेंज भी चल रहा है, एकदम आज फर्स्ट डे है, एकदम आज एकदम अच्छा टारगेट बना लेना है। तो फिलहाल आज बच्चों के साथ साथ मतलब बच्चों की पढ़ाई भी चल रही है, अपनी भी पढ़ाई चल रही है, तो बच्चों का भी सब कुछ चलता रहता है। तो इधर मेरा सारा काम हो चुका है, खाना वगैरह सब रख दी हूँ बना के, बर्तन भी धो ली हूँ। इधर बच्चों को अपना नहला के लेके आ गई, या चाय अभी नहीं बनाई थी, मैं नहावा रही उसके बाद मैं चाय बनाई एकदम लेट, 8 बजे मैं पी हो के फिर बच्चों को रेडी करके लेके गई। तो साथ साथ चाय भी हो रहा है, मैं टिफ़िन भी रेडी कर लूँगी। तो अपना चाय में मैं अच्छा खासा अदरक डालूँगी और काली मिर्च लौंग ये सब मैं डाल के एकदम चाय मसाला वाली बनाती हूँ। मैं हमेशा बताती हूँ क्योंकि चाय तो मेरी फेवरेट है, थोड़ा ही चाहिए लेकिन चाहिए ज़रूर। बाकी सैटरडे संडे को तो एकदम आराम से चाहिए होता है, आराम से पीती हूँ मैं। तो फिलहाल अभी जल्दी जल्दी मैं थोड़ा सा बनाती हूँ, वही पी के अपना जाती हूँ। तो एकदम मसाला वाली चाय चाहिए, उसके साथ ये सारे काम लगे रहते हैं। और आज बच्चों का भी कुछ मीटिंग वगैरह है सब, उसमें भी अलग जाना है, उन सब का अलग ड्यूटी निभाना है, अपना अलग निभाना है, अपनी पढ़ाई है तो वो अलग चलेगा, बच्चों का ड्यूटी अलग चलेगा। तो उन सब की भी पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट होती है और बच्चे हैं तो भाई होगी होगी। बच्चों को ज़्यादा प्रेशर भी नहीं देना पड़ता है, एकदम अच्छे से समझाना पड़ता है। तो भाई उसके मैटर में आज बताने वाले हैं लोग, डॉक्टर आने वाले हैं, देखते हैं पीडियाट्रिशियन क्या क्या बताते हैं अलग। तो फिलहाल मैं सुबह सुबह इसीलिए जल्दी जल्दी काम कर लें क्योंकि बच्चों को छोड़ने के बाद उधर ही रह जाना है मेरे को। दोपहर बज जाए, दोपहर के 1-2 बजे ही जाएंगे, देखते हैं क्या बजता है। तो फिलहाल चाय अपना बन रहा है और इधर बच्चे भी मेरे आगे पीछे लगे रहते हैं कि मम्मा अपना अपना क्वेश्चन लेके, मम्मा ये काम है वो काम है, तो वो भी जवाब देना ही रहता है। और बाकी मेरा काम जो है वो छोड़ के ही, तो साथ साथ चाय भी हो रहा है और मैं अपना बच्चों का भी जवाब देती रह रही हूँ, बच्चों को भी साथ साथ रेडी कर ही रही हूँ। बाकी बैग वगैरह रेडी करके मैं जाऊँगी, दोनों को छोड़ के आऊँगी। फिलहाल सुबह सुबह तो लेट होता ही रहता है, डेली का यही काम है। उसके बाद आज तो वो लग रहा है कि टाइम नहीं मिलेगा आके पढ़ने का, क्योंकि मैं छोड़ के आऊँगी नहीं, उधर ही सुधर जाऊँगी क्योंकि 9:30 से है स्टार्ट इसका मीटिंग काव्यांश के स्कूल से होगा, क्योंकि वो छोटा है तो उसके हिसाब से ही बताया जाएगा, क्या बताया जाएगा वो भी मैं लास्ट में दिखाऊंगी। तो बच्चों के टिफिन में मैं पैक करती हूँ एप्पल, और काव्यांश है छोटा है तो उसके लिए मैं साल्टेड पराठा बनाती हूँ। बाकी जो भी मतलब आलू पराठा गोभी पराठा कुछ भी बनाऊँ, पनीर पराठा सब साल्टेड बनाती हूँ। बाकी जानवी को तो सब्ज़ी भी दे देती हूँ, तो उसके मतलब टिफिन में मैं फुल एप्पल एकदम ठूस के भरती हूँ ताकि वो एप्पल ही खा ले, रोटी खाएगा नहीं खाएगा क्या पता, कभी छोड़ देता है कभी खाता है, इसलिए एप्पल फ्रूट खा जाता है। तो इसलिए उसका मैं तोड़ तोड़ के डालती हूँ कि बस उसको उठा के खाना रहेगा, नहीं तो उसको तोड़ के खाना रहेगा तो वो और नहीं खाता है मेरा छोटा बेटा। बाकी ये सब रेडी हो चुका है, मैं सबको अच्छे से पैक करूँगी, वाटर बॉटल सब पैक करना रहता है, सब पैक करके फिर बच्चों को लेके जाना है। पैदल पैदल ही जाती रहती हूँ चल के, इतना आज तो सुबह सुबह पूरा धूप हो गया है, पूरा घर में भी ये चमक रहा है एकदम, साथ में दिख रहा होगा वीडियो में, ये टिफिन जहाँ रखी हूँ यहाँ पर पूरा लाइट लाइट आ रहा है पूरा, क्योंकि खिड़की से पूरा धूप आता है, इधर ही है अपना सूरज इधर ही से निकलता है तो आता है पूरा धूप, तो अच्छा भी रहता है घर में पूरा सुबह सुबह प्रकाश आता है तो अच्छा लगता है। बाकी बच्चों को ले जाने में बच्चे भी थक जाते हैं, हम तो थकते ही हैं लेकिन बच्चे थकते हैं तो उनको भी गोदी उठा के ले जाना पड़ता है, तो ज़्यादा थोड़ा लोड पड़ जाता है। और इधर मेरे बच्चों का टिफिन रेडी हो गया है, देखिए मैं तोड़ के कैसे डाली हूँ। और जानवी का तो ऐसे ही मोड़ के दे देना होता है और उसमें थोड़ा ड्राई फ्रूट भी डालते हैं। तो इधर रेडी हो गए और साथ साथ हम भी रेडी हो गए, हम निकलते हैं। उसके बाद तो फिलहाल मैं मोबाइल बैग से निकालूंगी नहीं, बाकी बच्चों को छोड़ने के बाद ही मोबाइल निकालूंगी। तो फिलहाल मैं दोनों बच्चों को अपनी छोड़ चुकी हूँ और पार्क में आकर बैठ चुकी हूँ, क्योंकि यहीं पर है कम्युनिटी हॉल, यहीं पर है पार्क के सामने वो हॉल है, तो इसलिए यहाँ पर आके बैठ गए। बाकी इधर झाड़ू वाड़ू वगैरह सब लगा रही हैं अम्मा, तो टाइम हो जाएगा तो मैं अपना घुस जाऊंगी अंदर, इसीलिए एसी में थोड़ा अपना रेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चों को छोड़ के एक इस गेट पे है, एक लास्ट गेट पे है, तो दो गेट पे भागने में मेरे को थक जाती हूँ, इसलिए आराम कर रही थी। फिलहाल अभी अंदर भी आ चुके हैं हम लोग, सब लोग आ चुके बैठ चुके हैं, तो मैं भी थोड़ा बैठ गई। इधर जो डॉक्टर आने वाले थे वो भी आ गए,
अपने जो भी डॉक्टर को बताना है वो बताएंगे ही, देखते हैं क्या क्या बताते हैं। फिलहाल हम लोग बैठ के अपना देख रहे हैं। पूरा देखने के बाद जो भी था इसमें इंस्ट्रक्शन सब पिया जी के थियरी बताया गया। बाकी टीचिंग का प्रिपरेशन करो तो ये भी पता चल जाता है कि हाँ बच्चों को कैसे पढ़ाना है, किस एज में कैसा ग्रोथ होता है। तो वही फिलहाल मैं पढ़ रही हूँ, वो वही सारा बताए हैं पियाजे की थियरी। अगर सी टेट का जो प्रिपरेशन कर रहा है वो अच्छे से जान जाएगा कि बच्चों को कैसे क्या करना है, क्या करना नहीं करना है, सब कुछ डिटेल से बताया जाता है। डॉक्टर वही सारा बताए कि बच्चों को क्या खिलाना है क्या नहीं खिलाना है। तो फिलहाल हम लोग फिर काप्यांश को लिए, वहाँ से छूटे तो उसके बाद कम्प्लेक्स आ गए, क्योंकि सुबह से पढ़े थे, भूख लगा था, लेकिन फिलहाल कुछ भी खाने को नहीं मिला तो सब्ज़ी वगैरह सब ले लिए। और काव्यांश अपने पापा के साथ ही घूम रहा था, तो सब्ज़ी फ्रूट ये सब ले होके घर पे आएंगे। और जानवी को भी लेना है, तो जब भी टाइम होगा ये सब्ज़ी वब्जी लेने के बाद फिर जानवी को लेके अपना घर पहुँचाए हैं हम लोग। तो घर आने के बाद बहुत तेज़ों की एकदम भूख लगी थी, तो सब कुछ छोड़ छाड़ के चेंज करके बच्चों का कपड़ा वगैरह सब खा पी के बर्तन वगैरह धो लिए। इधर मैं दूध बॉयल कर दी हूँ, काव्यांश सोता है तो उसको नेपल में दूध चाहिए, बाकी इधर उधर बर्तन एक आध भटके ही रहते हैं बच्चे हैं। तो इधर मैं निकाल दूंगी दूध को थाली में, इससे ज़्यादा जल्दी ठंडा हो जाएगा, क्योंकि अभी बॉयल की हूँ ना तो जल्दी ठंडा नहीं होता है, तो उसमें डाल दूंगी, जल्दी ठंडा हो जाएगा। तब तक मैं बर्तन भी अपना साइड में रख दूँ, इसका पानी निकल चुका है तो इसको साइड में रख दूँगी, अच्छा रहेगा जो जगह पर रहता है। बाकी जो जो हम लोग सब्जी लिए हैं उसको भी अपना सब अपने अपने जगह पर रखूँगी, उसके बाद ही आराम करने चलूँगी। तो टमाटर तो आजकल बहुत ही महंगा हो चुका है, 150 रुपये के जी हो गया। अब ये आम लिए, आम का सीज़न जाने वाला है और इधर आम ही नहीं मिल रहा है, और इधर का आम मैं खाती नहीं, फर्स्ट टाइम आम लेके आई हूँ लंगड़ा, और दशहरी मिला, ये भी 200 रुपये के जी का है, 400 का आम ही हो गया। क्योंकि इधर पता नहीं कौन सा लोकल आम लेके आते हैं, हम लोग को पसंद है अपना आम यूपी का, लेकिन इधर मिलता ही नहीं है, इसलिए आम छूती ही नहीं मैं इधर का। और सारा काम इधर का सारा क्लियर हो गया, जो दो उसमें से दो आम पके थे तो उसको फ्रिज में रख दिए, और मतलब कच्चा कच्चा सब बेच रहे हैं हम, तो मैं अपना जो नहीं पका था उसको वैसे बांध के रख दी हूँ इधर साइड में, और सब लाइट वाइट बंद करती हूँ, काव्यांश का नेपल भर ली, चलती हूँ बच्चों को सुलाऊंगी। उसके बाद थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई भी करना है, क्योंकि आज सुबह से मेरा छूट गया है, तो इधर बच्चे अपना नौटंकी में लगे हुए हैं, मैं चलती हूँ इसको सुलाती हूँ। काव्यांश तो अपना नेपल पकड़ता है और अपनी जगह पर हो जाता है। तो इधर फाइनली मेरे बच्चे सो चुके हैं, अब चलती हूँ मैं, थोड़ा अपना पढ़ाई वढ़ाई करती हूँ, क्योंकि बच्चों को मेरे को पकड़ के सुलाना पड़ता है थपकी देके, तो उन सबको सुलाती हूँ, अब चलती हूँ घर क्लियर करूँगी, थोड़ा सा अपना जगह बनाऊँगी, क्योंकि आज सुबह का मेरा छूट गया है, मोबाइल से अपना नोट्स नहीं बनाए, कुछ भी नहीं देख पाई, इसलिए मैं आज दूसरे रूम में आके पढ़ूँगी, क्योंकि उधर बच्चे सो रहे हैं तो मोबाइल से जग जाएंगे तो प्रॉब्लम करते हैं, इसलिए मैं अपना सारा टेबल ही थोड़ा सा क्लियर करूँगी, उसके बाद अपना बैठूँगी पढ़ने। बाकी सारा सामान ऐसे ही फैला रही, अगर सामान समेटने में लग गई तो उसी में टाइम ख़त्म हो जाएगा, फिर बच्चों को कहाँ जग जाएंगे तुरंत, फिर टाइम नहीं मिलेगा। तो इधर टेबल थोड़ा सा बना ली, अपना जगह हो गया, अब चलती हूँ बैठती हूँ, और बाकी मैं मोबाइल से स्टडी अपना शुरू करूँगी, तो मैं अपना वीडियो भी बंद करती हूँ और पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ, जो भी अपना करना है मोबाइल से ही देखती हूँ, यूट्यूब पे जो कोर्स है। तो आज सुबह का नहीं हुआ है तो अभी टारगेट बना लिया है मैंने, तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, पसंद आता तो लाइक कर दीजिए, चैनल पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और मेरी पढ़ाई अब चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं, आप लोग देखते रहिए। फिलहाल लास्ट हो चुका है, मैं मोबाइल बंद करूँगी, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं सूट नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि इसी से मैं पढ़ाई भी करूँगी, एक ही मोबाइल है मेरे पास। तो चलिए मिलते हैं, बाय बाय नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू।